आखिरकार 68 दिनों के गतिरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में अदाणी समूह और ट्रांसपोर्टर्स के बीच चल रहा सीमेंट विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट विवाद पर विराम लग गया। अडानी समूह, दारलाघाट और बरमाना प्लांट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया। सीमेंट विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही दारलाघाट और बरमाना दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थी। उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट्स के साथ जुड़ा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अडानी समूह और ट्रांसपोर्टर्स के बीच के मसले को सुलझा लिया है और कल से अब ये प्लांट शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। ऑपरेटर के जो बाकी मसले हैं वो संबंधित डीसी सुलझाएंगे। बागल लैंड लूजर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष रामकिशन शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स के बहुत सारे मसले अभी भी कंपनी के साथ लंबित पड़े हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कंपनी हिमाचल और ट्रांसपोर्टर्स के हितों का ध्यान रखकर काम करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने ये भी माना है कि इसमें ट्रक के फेरे भी ज़्यादा मिलेंगे। विवाद से पहले ये दाम 10 रुपये 58 पैसे मिलते थे, लेकिन अब वे सरकार की मध्यस्थता के बाद इस रेट पर सहमत हुए हैं। जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर पंकज राज जी ने पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास किया और सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री नजीम साहब, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, सब ने दिन रात मेहनत की। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 16 दिसंबर को जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अदानी जी ने ले ली और अदानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज्यादा है, और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। यही दिया ना, 6.5 रुपये दिया कर देते हैं। मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली, मुझे जो ट्रक ऑपरेटर से जानकारी मिली तो हमें वो जस्टिफाई नहीं लगा। 2-3 बार हमारी उनसे बैठकें हुई और बैठक करने के बाद कई बार राय मशवरा करने के बाद हमने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो ट्रक ऑपरेटरों के हित में नहीं था, और ना ही हम इंडस्ट्रीज को भी खत्म करना चाहते थे। हम चाहते थे इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे, हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अदानी ग्रुप जो कि काफी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, एक बार नहीं दो बार नहीं, और आज जब फाइनल बात हुई तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे, फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है।
दूसरा 930 रुपए 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्वांटल तय हुआ है, पर क्वांटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है, मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दारला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनके अंतर्गत ये टीम ने कार्य किया, पंकज राय जी और हमारे जितने भी अनुपम कश्यप जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सीईओ से बात करनी थी, डिप्टी कमिश्नर से बात करनी थी, आज इस समिट विवाद का अंत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर सब चीज़ें जानते हैं लेकिन उन्होंने अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, इस दृष्टिकोण से आज इस विवाद का अंत हुआ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक बार कंपनी कब से शुरू? 9 रुपए 30 पैसे मैं 9 रुपए 30 पैसे मल्टी एक्सेल है, जो सिंगल मल्टी एक्सेल है, पर किलोमीटर पर क्वांटल, ठीक है, जो 24 टायर 24 टन वाला होता है ना, डबल टायर चलते हैं जिसको बड़े बड़े गाड़ियां बोलते हैं, वो सिंगल एक्सल होता है, मल्टी एक्सल होता है उसका, मल्टी एक्सल का है ये, पर किलोमीटर पर टन। और 10 रुपए 30 पैसे सिंगल एक्सल में पर किलोमीटर पर क्वांटल, और 9 रुपए 30 पैसे मल्टी एक्सल में पर किलोमीटर पर क्वांटल। अब तो ये आज ये इस विवाद का अंत हुआ। और आप सब लोगों को, दोनों ये हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के यूनियन है और हमारे ये जो मैनेजिंग अदानी ग्रुप के जिन्होंने ये लिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि संवाद टेबल में बैठकर ही अंत होता है और थोड़े बहुत छोटे कई बार इश्यूज आ जाते हैं, उसका समाधान भी आने वाले भविष्य में संवाद के द्वारा कर दिया जाएगा। प्लांट जो खोलने की बात है वो जो जिंदल कंपनी के ये बैठे कल से शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मानता हूँ कि सरकार को तो जो नुकसान हो रहा था, सरकार तो नुकसान कर सकती थी लेकिन इतना ज्यादा नुकसान सरकार करने अगर सहन भी करना चाहती है, अगर हम जीत करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जिनके सहारे परिवार पड़ रहे हैं, जिनके सहारे उस क्षेत्र की इकोनॉमी विकसित हो रही है, उनका हम ज्यादा नुकसान नहीं देख सकते। सरकार अपने नुकसान की भरपाई इधर से नहीं करे, उधर से कर लेगी, लेकिन उनका नुकसान हम नहीं देख सकते थे। और कंपनी वाले भी अपनी जीत पर अड़े हुए थे तो कंपनी वालों से भी हमने बातचीत करके संवाद करके रास्ता सुलझाया। अब कंपनी ने भी कल से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और ट्रक ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है, लेकिन हमारी सरकार के लिए तो सिरदर्द इसलिए बना हुआ था कि कई जगह ट्रक ऑपरेटर्स के हमारे को फॉर्म सीधे आते थे कि इस विवाद का हल निकालिए, जो हमने आज निकाल दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इसके साथ ही हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, ये कोई एक परिवार नहीं पड़ रहा कि जिसका ट्रक चल रहा है उसी का परिवार पड़ रहा है, उसके साथ 4 या 5 फैमिली पलती है, ढाबे वाले का ढाबे चलता है, टायर पंचर वाले का टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप चलता है, खाने वाले की दुकान में खाना चलता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी लग चलती है, इस प्रकार से
ये एक मानवीय संवेदना की बात भी थी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रही थी, पहले भी प्रयास किए गए, इसका बनने के बाद प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन जब अहम टकरा जाता है ना तो थोड़ा प्रयास में समय लगता है, और आज उस अहम का भी अंत हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों ट्रक ऑपरेटर्स का, और खासकर मैं अदानी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को रखा, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी, और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूंगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें रिजेंटमेंट थी। हमने 10:70 से स्टार्ट किया था और आज 10:30 में पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो नहीं, इसमें हम लूजर अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको सीएम साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर करना होगा। थे 10 रुपए 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर जो था वो सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल के लिए दोनों था, इसमें 5% का लेस हम मल्टी एक्सल में देते थे 10 टन के ऊपर। अब जो आज का जो अभी अनाउंसमेंट सीएम साहब की है, जो भी हमने भी आपके साथ हम भी जहाँ थे, वो 9 रुपए 30 पैसे मल्टी एक्सल का है और 10 रुपए 30 पैसे सिंगल एक्सल का फ्रेट होगा, जो आपके सामने अनाउंसमेंट हुई है अभी। सर एक अभी आपके सामने सीएम साहब ने अपने अनाउंसमेंट में ये चीज भी इंक्लूड की है कि 13 पैसे की जो हाइक है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, और इसको लेटर थोड़ा विद इन नो टाइम हम इसको भी दे देंगे आपको, मैं कंपनी से दिला देंगे। इस हिसाब से तो हमारा लगभग 10:43 बन जाता है, 13 रुपए की हाइक देने के, 13 पैसे हाइक देने के बाद सीएम साहब ने कहा है ये मैं अलग से दिला दूंगा। सर आप ठीक है, अभी सीएम साहब ने आपके सामने अनाउंसमेंट भी की, हमारा मेजर जो एक और इशू था वो था कि जो हमारी एनुअल हाइक होगी उसका ढांचा क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन लड़ेंगे थोड़ा नहीं, बार बार फैक्ट्री बंद करेंगे, बार बार गाड़ियां खड़ी करेंगे, तो इस पे अडानी ग्रुप का जो भी एक सुझाव आ रहा था कि हम बाद में फार्मूला तय करेंगे, हमारी डिमांड थी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसमें 1 अप्रैल को हर फाइनेंशियल ईयर के बाद उसकी रिविजन होती है, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और सीएम साहब ने अभी घोषणा भी की आपके सामने, आप उसको ढंग से आप इसको तरजीह दे सकते हैं कि कल को अडानी के इसे रिजाइन ना कर जाए, ये इन्होंने माना इसको कि हम इसी फार्मूले के तहत अगली हाइक आपको हर साल देंगे। और कल से क्या आपकी जो आज का डिसीजन है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ जनरल हाउस, अब नीचे हमें इसको लोगों में ले जाना है, और प्रोबेबली क्योंकि लोग सीएम साहब को डिसऑनर करने वाली बात होगी, तो इसको हम लागू कराने का प्रयास करेंगे, सभी को समझाएंगे कि सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, हमें इसको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, और सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हुए, अभी हमारा डिस्पैच का मेजर इशू है, जो कि डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उस कमेटी में ये सारी चीजें तय होगी कि हमारा डिस्पैच कितना होगा, और हमारा जो दालाघाट से सीमेंट क्लिंकर का क्या डेस्टिनेशन होंगे, ये उस कमेटी में इन्होंने कहा कि पेटी मैटर्स है ये, आप डीसी साहब कल से इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, मतलब बाकी जो हमारे इश्यूज है उसके ऊपर अभी एक्सरसाइज चलेगी, और डीसी साहब के साथ सीएम साहब ने आपके सामने कह दिया कि सीएम साहब इन इश्यूज के ऊपर एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। सर जी के प्रयासों से बिल्कुल हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने 65 दिन हमारे साथ बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमारे साथ खड़े हो, अडानी ने 6 रुपए से शुरुआत की थी, हमने किराया नहीं बढ़ाया, अनफॉर्चुनेटली हमने 10:58 से ही अपनी शुरुआत की थी जो एग्जिस्टिंग फ्रेट था, और आज एक समय में तो सीएम साहब ने हमसे 10 रुपए 15 पैसे में भी अप्रूवल ली थी, हमने अपने अपने हाउस में जाकर लोगों से अप्रूवल मांगी थी जो कि लोगों ने दी भी, और सीएम साहब ने 10 रुपए से लेके 10 रुपए 20 पैसे तक की हमसे इजाजत मांगी थी कि आप लोगों से कंफर्मेशन लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ, मैं इस आंकड़े के ऊपर बात करूंगा, तो हम कहते उस लिहाज से देखना तो हमें तो उससे भी ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम लूजर है, हमने फिर भी बहुत कुछ खोया है इसमें। सर मेरा सेप्शन थी शुरू से ही कि हिमाचल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा है, हम इस मंच से हमने टाइम एंड अगेन कहा है कि हम इस मंच से, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पास वरिष्ठ नेता है बालक राम जी, और हमारे कोर कमेटी के मेंबर है जयदेव कौंडल जी, कांग्रेस पार्टी के लोग है, मैं सीपीआईएम से हूँ, सारे भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं, हमारा यहाँ झंडा सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का झंडा है,
मैं हम इस बात को नहीं कहते कि किस वेंडे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा था या कोई जो परसेप्शन बनी थी हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि क्यों था, लेकिन ये था कि हमारे को एक बदनाम करने का प्रयास था इस पूरे प्रदेश में और देश में कि ट्रांसपोर्टर ज्यादा ऑपरेट लेते हैं। तो आज आपके सामने एस्टेब्लिश हो गया, आज भी हमने सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइजिंग फिगर है ये 10-30 वाला। हमारा फार्मूले को डिस्कार्ड सरकार ने भी नहीं किया और अडानी ग्रुप ने भी इस बात को माना कि हमारा फार्मूला कहीं भी उसमें कोई गलती थी नहीं। और इवन यहां तक आप देखें उसमें हिमकोन को जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था उसको भी साइड में रख दिया उन्होंने। अगर वो अडानी के फेवर में होता तो ये उसके ऊपर इम्फेसिस करते कि हिमकोन के आधार पर रेट तय किया जाए। इट मीन्स कि हमें सिर्फ बदनाम किया जा रहा था कि हम बहुत ज्यादा किराया हिमाचल में लेते और सीमेंट हमारी वजह से ज्यादा महंगा होता है। आज भी ये डिसाइड हुआ है कि कुछ मॉडलिटीज हम कंपनी के साथ शायद आज ही बैठकर फाइनलाइज करेंगे। अगर मॉडलिटीज फाइनलाइज हो जाती है तो हो सकता है हम कल से इसके ऊपर काम चलाने के लिए प्रयास करें, लोगों को मनाएं। यदि हमारे से आज वो बातचीत नहीं हो पाती है, आज नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी, उसके बाद ही प्लांट चल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।